मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है, इसी में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत बात कर रहे थे बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। पिछले दो वीडियो में उसी कंटिन्यू किया था, इसी को आगे इसी क्रम में पढ़ाते हैं और इसको नाम दे दिया है एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, हमें उसका एक्सप्रेशन ज्ञात करना है, वेवलेंथ ज्ञात करनी है, वेव नंबर ज्ञात करना है, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया। दरअसल ये पिछले वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ भाग है, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो हमने बताया था किस प्रकार से यलवी कक्षा के लिए ऊर्जा का मान प्राप्त करते थे और उसको हमने समीकरण नंबर 4 दिया था। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऋणात्मक ऊर्जा E बराबर माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर दें, समीकरण नंबर 4 यहां तक हमने बताया था, ठीक है। इसीलिए लास्ट लाइन को हमने रिपीट कर दिया इससे कि वहां से कंटिन्यू हो सके कि कहां से हमने छोड़ा था, जो कि लेक्चर नंबर 8 था, ठीक है। इसी में बात करते हैं, जब हम यहां पर एनवी कक्षा की बात करेंगे, एनवी कक्षा के लिए ई के स्थान पर ईयर लिखने पर, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पर, क्योंकि एनवी कक्षा तो ये भी थी, अगर हम इसको इस तरीके लिख दें तो हमारा ज्यादा बेटर रहे, क्योंकि एनवी कक्षा के लिए हम ऊर्जा का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक है। देखिए दोनों एक ही थे, सिर्फ हमने ई की जगह ई एन कर दिया, क्योंकि एन भी कक्षा थी तो ई थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए यहां पर ई एन कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या किया, अगली स्टेप देखिए, ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर को बाहर ले आए और ऊपर नीचे एच सी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया। देखिए इस एन स्क्वायर को कहां से बाहर ले आए, एच सी से मल्टीप्लाई किया और एच सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहीं पे थोड़ा सा जो काम नया किया उसको एक सा किया है, इससे कि कोई दिक्कत ना आए, हमारा समीकरण के पिछले मान पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसी को क्रम में चेंज कर दिया, क्या किया, ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यू एच सी अपॉन एन स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या किया, एच सी उठाई, इस सी को हम इधर ले आए और जो हमारा एन स्क्वायर था उसको उस साइड ले गए, यानी यहां पर हो गया एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। इसको एक नया नाम दे दिया, इस क्रम को चेंज किया है, कुछ नहीं किया, वही समीकरण चल रहा है, उसके स्वरूप को थोड़ा वो चेंज किया है, माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ये जो हमारा मान है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यू, इसको कहते हैं आर, जिसमें आर एम ई की पावर 4 अपॉन ये 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यू क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस रिडबर्ग कांस्टेंट क्या किसे डिनोट किया है, कैपिटल आर के द्वारा, एक ये नियतांक है, इसका मान क्या होगा, डेफिनेट होगा, स्थिर होगा, इसके मान को चेंज नहीं कर सकते, यानी ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर से व्यक्त किया गया है, ठीक है। माना कि उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक उच्च अवस्था, देखिए यहां पर क्या होता है, जो भी हमारा परमाणु होता है वो वास्तविक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था होती है और ये क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, इसलिए इसको उच्च अवस्था भी कहा। देखिए परमाणु कहां पाया था, उत्तेजित अवस्था में पाया था, देखिए प्रारंभिक को उच्च तथा अंतिम को निम्न कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जाएं क्रमशः ei तथा ef, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम की बात करेंगे तो यहां पर ऊर्जाएं क्या होंगी, ei तथा ef, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक कक्षा होती है वो परमाणु की उत्तेजित अवस्था होती है और जो इसकी निम्न अवस्था होती है वो क्या होती है, इसकी अंतिम अवस्था होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ei दिया हुआ है, इसको ef, i फॉर क्या होता है, इनिशियल यानी प्रारंभिक, f क्या होता है, फाइनल यानी अंतिम, तो ei बराबर क्या हो गया, माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई
स्क्वायर, देखिए यहाँ पे n दिया था, यहाँ पे सफिक्स में i कर दिया, यानी एन आई स्क्वायर, और ई एफ के क्या कर दिया, जहां पर मान था हमारा एन आई वहां पे एन एफ का स्क्वायर कर दिया, यानी ई एफ बराबर माइनस जेड स्क्वायर आर एफ सी अपॉन ब्रैकेट में वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, यानी कि ई आई और ई एफ का मान हमने रख दिया, सिर्फ क्या किया पिछले मान में आई एन आई और एन एफ कर दिया, ठीक है। यहाँ एन आई तथा एन एफ संबद्ध क्वांटम संख्या है, देखिए ये क्या है एन, हमने पहले भी बताया था एन एक क्वांटम नंबर है जिसका की मान 1 2 3 डैश हो सकता है, मतलब 1 2 3 स्टार्ट होगा, यानी क्या है ये पूर्णांक संख्या भी है भाई, वन क्या है पूर्णांक नंबर है, ये पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या 1 2 3 होती है, पूर्णांक होती है, इन अवस्थाओं का ऊर्जा अंतर ई आई माइनस ई एफ कर दिया, जो इनका अंतर है ई आई माइनस ई एफ, ई आई हमारा क्या था उच्च अवस्था थी और ये थी निम्न अवस्था, इसलिए ई आई माइनस ई एफ, कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि ई आई को पहले क्यों लिखा है, वास्तविकता में जो ई आई है वो उस परमाणु की उत्तेजित अवस्था है और जो ई एफ है वो उसकी क्या है अंतिम अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच सी। अब देखिए जो हमने एन एफ एन आई किया हुआ है, देखिए हमारा जब मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ऑलरेडी पहले से ही माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा ये वाला मान पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ई आई का मान रखेंगे तो निगेटिव आ ही रहा और ये माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब ये है 1/(nf)² माइनस 1/(ni²) हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच सी ब्रैकेट में 1/(nf²) माइनस 1/(ni²), ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर ऊर्जा का अंतर यहाँ पर प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बोहर के चौथे पोस्टुलेट का उपयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर बोहर के चौथे अभिविध से उत्सर्जित फोटानों की आवृत्ति क्या करेंगे, यहाँ पर जो फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, और हमने पहले ही बताया था कि जो बोहर के पोस्टुलेट थे कि जो ऊर्जाओं का अंतर है वो यचनियु के बराबर होता है, जो बोहर का पोस्टुलेट चौथा बताया था उसमें बताया कि इनका अंतर जो है वो यचनियु के बराबर होता है, यानी क्या हो गया यहाँ पर अगर न्यू निकालेंगे क्या हो जाए ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच, जो हमने ई आई माइनस ई एफ का मान निकाला था उसमें ऊपर एच दिया था, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और बचे क्या जेड स्क्वायर आर सी ब्रैकेट में क्या है 1/(nf²) माइनस 1/(ni²), इतना अंतर आएगा कि यहाँ पर एस एस कैंसिल हो जाएगा पिछले मान में और हमारा वही मान जेड स्क्वायर आर सी ब्रैकेट वाला मान वही सेम सा आएगा, ठीक है। इसकी संगत तरंग दैर्ध्य यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर क्या आवृत्ति निकाली, किसकी निकाली है फोटान की आवृत्ति निकाली, अगर हम फोटान की तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/λ, 1/λ जो है ये क्या हो जाएगा न्यू अपॉन सी के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर आर सी से सी कैंसिल हो जाएगा 1/(nf²) माइनस 1/(ni²), ठीक है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, देखिए जो 1/λ है इसको वास्तविकता में वेव नंबर कहते हैं, जिसे न्यू बार द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो न्यू है ऊपर बार या एंटी न्यूटोनियन कैसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ये कहलाएगा वेव नंबर, ठीक है। ये होगा जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1/(nf²) माइनस 1/(ni²), ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर इसका मान रख दिया है। अब देखिए बात हो रही है किसकी, बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, यानी अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर, जहां पर जेड दिया है वहां पर रखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, यानी कि आर 1/(nf²) माइनस 1/(ni²), तो ये क्या हुआ हमने यहाँ पर इसकी वेव संख्या को ज्ञात कर लिया और ये क्या है 1/λ के बराबर है। यहाँ पर एन एफ क्या है हमने बताया ही ऊपर, यहाँ पर एन एफ जो है वो वास्तविकता में ये क्या है इसकी निम्न अवस्था है, ये किसकी, इसकी क्या उच्च अवस्था है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये मान पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ये क्या है
निम्न अवस्था, ये क्या है उच्च अवस्था। प्रारंभिक को उच्च कहा गया है और अंतिम को निम्न कहा गया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे गलती भी होती है, इसको हमने दो तीन बार बताया कि कौन सी एनएफ है कौन सी एनआई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य की मान प्राप्त कर लिया। अब किस प्रकार से इस तरंग दैर्ध्य की सहायता से किस प्रकार से यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे और साथ में बताएंगे किस प्रकार कौन कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट कुंड, और कौन सा मान एनएफ और एनआई का परिवर्तन, कौन सा मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसको अगले वीडियो में बताते हैं कैसे, अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से स्पेक्ट्रम बना के दिखाएंगे और साथ में बताएंगे लाइमन के लिए बामर के लिए पास्टन के लिए एनएफ और एनआई का मान क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।